Yeah.
question. हरे कृष्ण आज हमारे जो संप्रदाय है क्या नाम संप्रदाय का नाम ब्रह्मत्व गौड़ीय संप्रदाय कहते ये श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने कहते चार वैष्णव संप्रदाय कितने वैष्णव संप्रदाय इसलिए पद्म पुराण में बताया अगर कोई कलयुग में भगवान तक पहुंचना चाहते हैं भगवान खुद कहते हैं मैंने इस जगत में चार अच्छे अच्छे संतों को भेजूंगा वैष्णव को भेजूंगा चारों में कोई एक वैष्णव का अगर अनुगत करोगे आप सीधा मेरे पास ला सकते हैं अगर इसको छोड़ करके मनमानी हाँ गुरु करनी चाहिए इसीलिए कहते गुरु तो करनी चाहिए लेकिन गुरु कर जान के और पानी पियो छान के गुरु करनी चाहिए हम क्या सोचते हैं गुरु वहीं पर किया जाए जहाँ पर प्याज भी खाया जाए चाय भी पिया जाए शराब भी पिया जाए मांस मछली सब गंदे काम करो लेकिन गुरु हो जाए हमारी गुरु हो जाए बस सब कुछ करना पड़े और गुरु ही हो जाए हैं इसलिए हमारे प्रभुपाद कहते हैं दूध भी पीऊंगा तंबाकू भी खाऊंगा देखो प्रभुपाद की कथा सुनाते हैं बोले एक समय एक व्यक्ति तंबाकू खूब खाता था शराब खूब पीता था अभी उसको धीरे धीरे तबीयत खराब होने लग गया तबीयत खराब होना तो कुछ अच्छे डॉक्टर के पास में गया बोले डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बहुत खराब बोले क्या करते बोले तंबाकू खाता हूँ और सिगरेट फूंकता हूँ और गंजा भी गंजा में बीच बीच में गंजा भी एक दो हाँ बार ले लेता और कभी कभी बीच में शराब भी थोड़ी देर पी लेता हूँ इसलिए मेरा तबीयत बहुत खराब है बोले देखो मैं तेरे को एक दवा दे रहा हूँ एकदम प्योर गैया की दूध के साथ में एक दवा लिया करना अगर इसको लोगे ना जल्दी जल्दी तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी उसने कहा फिर डॉक्टर ने कहा लेकिन जितने तुम नस्ली वस्तु लेते हैं ना तंबाकू शराब लेते हो कभी कभी गंजा पीते हो सिगरेट इसको छोड़ देना पड़ेगा फिर ये दवा लोगे ना एकदम प्योर दूध को साथ में फिर तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी बोले डॉक्टर साहब मैं दूध भी पीऊंगा और तंबाकू भी खाऊंगा दूध भी पीऊंगा दूध भी पिया करूंगा और तंबाकू भी पीऊंगा बोले फिर तुम्हारी बीमारी सही नहीं होगी जिंदगी भर दवा खाते रहो बीमारी सही नहीं होगी इसलिए अगर बीमारी को सही करना चाहो तो गंदी चीज को छोड़ो और दवा लो जल्दी जल्दी तुम सही हो जाओ लेकिन ये कलयुग में जीव क्या चाहते हैं सारी गंदी चीज को लो और भगवान का नाम भी लेना हो जाएगा मंत्र भी और ऐसे ऐसे कोई संप्रदाय बोले दिन भर कुछ भी करने का जरूरत नहीं सोने से पहले ना बस एक बार नाम लेकर सो जाना चाहिए बोले भैया इससे बढ़िया कुछ होगा इसलिए भगवान के पद्म पुराण में भगवान कहते हैं कि कलयुग में मैं चार बड़े बड़े साधुओं को भेजूंगा अगर चारों में कोई एक साधु का शरण में अगर आओगे इसी परंपरा में आओगे जरूर तुम मेरे पास में आओगे बोले सबसे पहले कौन आए बोले माँ लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी आए जिस संप्रदाय में एक आचार्य भी उसी संप्रदाय में जिसका नाम रामानुज राम का अनुज मतलब लक्ष्मण स्वयं कल इनका कथा सुनेंगे कल इनकी जन्मतिथि दूसरे पितामह ब्रह्मा जिन्हें ये दुनिया को उन्होंने सृष्टि किया है कर जिसमें आचार्य हुए मध्व संप्रदाय जिसमें आचार्य हुए स्वयं मध्वाचार्य आज उनकी तिरुभाव है मध्वाचार्य ये कौन है बोले स्वयं भीम और स्वयं श्री भीम और श्री हनुमान ये दोनों मिलकर क्या है इसलिए कहते भीष्म स्तुति में जिस समय भीष्म भगवान को स्तुति कर रहे थे उसी समय भी बता रहे थे मतलब कलयुग में हैं कलयुग जब 4000 वर्ष चला जाएगा उसके बाद में हैं फिर उसके बाद में कहते स्वयं भीम से पांडव का जो दूसरा पुत्र भीम से इस जगत में आएंगे और एक शुद्ध संप्रदाय को ये प्रवर्तन करेंगे हैं इसलिए और तीसरा कौन है बोले स्वयं शंकर जी
स्वयं से रुद्र देवाएंगे जिसमें एक आचार्य बनेंगे विष्णु स्वामी। बोले चौथा कौन आएंगे, ब्रह्मा के मानस पुत्र, सर्व सृष्टि का सर्व प्रथम चतुसन सनक सनातन सनातन और सनत मान, इसमें जो आचार्य श्रीनिवास का आचार्य बनेंगे। ये चार वैष्णव संप्रदाय में अगर कोई एक वैष्णव संप्रदाय को अगर आप ग्रहण करोगे ना, भगवान खुद कहते हैं तो निश्चित रूप में मेरे पास में आता, तुमको कोई रोक नहीं सकते क्योंकि सही लाइन में तुम खड़े हो। और ये जो संप्रदाय ऐसे नहीं बीच में भूई फोड़ जैसे कोई एक निकल गया, आपने मनमानी एक नया नाम बना दिया और नया एक संप्रदाय बना दिया, नहीं। ये जो चार संप्रदाय सत्य युग से आए, ये कलयुग नहीं, द्वापर युग नहीं, त्रेता युग नहीं, सत्य युग सृष्टि से पहले ही ये चार संप्रदाय। इसलिए आज जो हमारे संप्रदाय में भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को सारे ज्ञान प्रदान की और उन्हें गोपाल मंत्र, हमारे संप्रदाय में जो गोपाल मंत्र जप करते हो, ये मंत्र कौन दिया, कृष्ण स्वयं, ये कृष्ण के मुंह से ये मंत्र निकला। अगर इसको जप करोगे ना सीधा तो ठाकुर के पास में जाओगे, क्यों, वो मंत्र साधारण व्यक्ति को द्वारा बनाया हुआ नहीं, ये स्वयं कृष्ण ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी इसी मंत्र से संसार की सृष्टि की है। फिर उन्होंने श्री नारद जी, नारद दिया उन्होंने व्यास देव को, व्यास देव मध्वाचार्य को, ऐसे करते करते ये सत्य युग से धीरे 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 जो मंत्र है श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में आए। फिर उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी, फिर श्री रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ऐसे करते 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 श्री प्रभुपाद, फिर हमारे परम गुरुदेव श्री गुरुदेव, करते करते यहाँ तक ये मंत्र आए। इसलिए इस सही लाइन में अगर खड़े रहोगे ना, भले नंबर कभी देर में लगे लेकिन नंबर लग ही जाएगा, क्योंकि लाइन सही सही लाइन में खड़े हो। और जो चार वैष्णव संप्रदाय है ना, इसमें देखो शुद्ध विचार है। शुद्ध विचार मतलब है ठाकुर जी हमारे प्रभु, हम उनका सेवक है, ठाकुर ही हमारे प्रभु। सभी संप्रदाय में जरूर गलमी करते देखो, सारे संप्रदाय और सबका देखते तिलक लगाए हुए देखो, है देखो श्री नारायण को देखो, जो रामानुज संप्रदाय कल है देखना उनका तिलक देखना, रामानुज जैसे नारायण का तिलक ऐसे तिलक है, जो रामानंदी संप्रदाय से है इससे एक संप्रदाय रामानंदी आया देखना, राम का जैसे तिलक उनका तिलक ठीक देखो, हनुमान जी का देखो तिलक कैसे, राम का तिलक जैसे देखो है। इसलिए जो विष्णु स्वामी संप्रदाय तिलक देखोगे, निम्बार्क संप्रदाय में तिलक देखोगे, हर संप्रदाय में तीन चीज को जरूर देखोगे, क्या तीन, एक तो सभी संप्रदाय में गले में तुलसी कंठी जरूर देखोगे, दूसरी चीज देखोगे जरूर की तिलक देखोगे, तीसरी चीज क्या देखोगे, भगवान की माला देखोगे, सबके सब ठाकुर जी की माला जप करते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नरा उतरे परा कहते। विशेष कर उसमें पांच नियम हैं, पांच नियम में एक तो ब्रह्म संबंधी नाम, ब्रह्म संबंधी नाम मतलब है उनको जो जब भक्त जब कोई दीक्षा मंत्र लेते हैं देखना, हम एक नया नाम देते हैं ना, भगवान ने तो भक्त दोनों को मिला था कोई एक नाम ब्रह्म संबंधी, इसको कहते ब्रह्म को साथ में हम जब जुड़ी जाते हैं, भक्त नहीं तो भगवान को साथ में मिला हुआ कोई नाम तो जरूर देंगे हैं, और जरूर ये तिलक लगाएंगे, जरूर वो दीक्षा मंत्र ग्रहण करेंगे, तो जरूर ठाकुर को सेवा पूजा करेंगे घर में, सभी घर में ठाकुर जी की मंदिर ही होगा जो ठाकुर जी की जो सेवा पूजा करोगे। इसलिए उसमें बताइए पांच नियम, अब तो गुरु परंपरा होगा, ऐसे नहीं कुछ है नहीं बीच में अपने आप कहीं से निकल कर गा गए, नहीं ऐसे नहीं, ये सब के सब भगवान से, ये चार संप्रदाय भगवान से आया है, वो साक्षात भगवान से जुड़े हुए हैं, ठाकुर जी के साथ में वो जुड़े हुए रहेंगे हैं। इसलिए आज हमारे संप्रदाय का जो आचार्य श्री मध्वाचार्य है, आज इनकी तिरुभाव तिथि, आज का दिन उन्होंने शरीर को छोड़े, हम कथा सुन रहे थे इनकी पिता माता जी, पहले इनकी दो दो संतान हुए लेकिन संतान शरीर छोड़ देते थे, इसलिए इनकी पिता माता ने 8-10 साल तक केवल दूध पी पी करके भगवान की कठोर तपस्या की, केवल दूध पी पी करके, इतने में जब भगवान संतुष्ट हो गए बोले क्या चाहते हो वरदराज, क्या चाहते हो, बोले हमें ऐसे एक पुत्र दो जो अमर पुत्र हो,
जो बेटा कभी मरेगी, जो बेटा कभी मरेगी, ऐसे जो बेटा पर श्री मध्वाचार्य, श्री मध्वाचार्य जन्म हो। कभी हमारे प्रभु जी इनकी थोड़ी बहुत कथा सुनाएंगे, सबरे हमने थोड़ी बहुत कथा सुनी थी, अभी इनकी थोड़ी बहुत कथा सुनाएंगे। चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। अच्छी लाइट आ गई, यही है। जब लाइट थी नहीं ना, इन्वर्टर से चल रहा था, तब तक एक डर था कब इन्वर्टर खत्म हो जाए और लाइट खत्म हो जाए, क्योंकि ये क्या है, अनित्य है। और ये क्या है, ये अब डायरेक्ट करंट है, वो ट्रांसफार्मर है जो गुरु और शिष्य परंपरा है, है? वो उस परंपरा के अनुक्रम में जो लोग आते हैं उनसे जो मंत्र ग्रहण करते हैं ना, तभी आती है दीनता। क्योंकि अगर हम खुद को बोलें कि हम अपने आप में स्वयं गुरु हैं, तो उसमें दीनता नहीं है। क्यों? भगवान खुद ही कहते हैं गीता में, जो मेरा भक्त कहता है ना, मुझे कहता है कि प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं है। जो कहता है कि प्रभु मैं आपके भक्त का भक्त हूँ, वो वास्तव में मेरा भक्त है। क्यों? क्योंकि वो मुझे डायरेक्ट प्राप्त कर ही नहीं सकता, और जब कह रहा है कि मैं आपको प्राप्त कर लिया, मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे प्रभु बन गए, तो इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हारे हाथ का खिलौना बन गया। परंतु नहीं, तुम्हें मेरे पास आने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ संबंध प्रामाणिक अधिकारी उसके पास जाना पड़ेगा, उनसे मंत्र लेकर के जब तुम भजन करोगे, जब ही जाकर के स्फूर्ति होगा, जब ही दर्शन फिर दर्शन होगा तो भक्ति मिलेगी, वरना नहीं। भक्ति मिलेगी तो दर्शन होगा, वरना नहीं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि बिना गुरु भवन यदि तरह ना कोई, जो बिरंज शंकर सम होई, बिरंज मतलब ब्रह्मा जी, कहा ब्रह्मा जी नहीं कर पा रहे और हम आ गए। ये जो कुछ आठ बलिवे का ये वो गुरु है, क्या नाम है, रविशंकर, इनको किसके अंदर सब कुछ है, भगवान खुद ही कहते हैं ना, मेरे में भी सब कुछ है, भगवान ने वही तो लीला किया, ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खाई और ब्रह्मांड भांड उधर, जिनके उधर के अंदर ब्रह्मांड रूपी भांड स्थित है वो दिखा दिया। तो यानी कि जो भगवान है, वो भगवान जिनको प्राप्त हो गए, तो वो भगवान कहाँ पे है, संप्रदाय के अंतर्गत है, शिक्षा दिया है, शिक्षा दिया है, तभी महाप्रभु भगवान खुद ही संप्रदाय ग्रहण किया। तो इस संप्रदाय की कलयुग में एक ही मात्र साधन है, संप्रदाय अनुगत सदगुरु के चरणाश्रय करके हरि नाम केवल आपका नौका है इस सागर को पार करने के लिए, अन्यथा कोई भी आपको पार नहीं कर सकते। हजार रुपए फीस लेकर के रोज भागवत कथा होती है, वहां पे जा करके बड़ी बड़ी लोगों के साथ हमारे कनेक्शन हो गया, बड़े लेवल पे हम परिचित हो गए, उससे कुछ नहीं होने वाला। कुल गुरु है कि हाँ वो सब कुछ हमें पहले से ही चला हुआ है, कृष्ण खुद शिक्षा दिया, जिस समय नंद बाबा कहे कि देखो सदियों से चलती आ रही प्रथा को अकस्मात नहीं तोड़ना चाहिए, क्या बोले, और पिताजी ऐसा भी तो नहीं है कि अकस्मात किसी की भी प्रथा को विश्वास कर लेना चाहिए, बोले बात तो सही कह रहा है, गर्गाचार्य वही खड़े थे, बोले ये सही कह रहा है, इंद्र को भी जो शक्ति देने वाले विष्णु है, इसका मतलब विष्णु ही पर है, उन्हीं की उपासना करो तो सबकी हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे मन में होता है हम कुल गुरु ले रखे हैं, अरे आप अपने मन से क्या बोल रहे हो, शास्त्र देखो ना, आप जब अंत समय में हम लोग जब चले जाएंगे, अगर इस भ्रम में पड़े रहेंगे ना, अंत समय में भी हमें वही दिखेगी, क्या दिखेगी, हमें पूछा जाएगा लाओ हमने तो कितना कुछ कर दिया, कितना एकादशी कितना कुछ कर दिया, बोले क्या कर दिया, काहे खाते में तो एक भी नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले मूल से ही जड़ से ही तो तुम्हें गलती कर दी, गुरु ही नहीं दिया, भक्ति नहीं हुई तुम्हारा अभी तक, भक्ति देने वाला गुरु है, गुरु ही नहीं है तो कहां से भक्ति आ जाएगी। इस बात को, इस पॉइंट को समझना साधारण आम बात नहीं है। आज हम गुरु जी के सानिध्य में बैठ करके जो चीज सुन रहे हैं, जो चीज हम आज प्राप्त कर रहे हैं, और ये कभी भाग्य फल, कभी भाग्य फल में किसी कोटि जन्म जन्म के बाद जाकर किस चीज को मिलता है। तो ये है मध्वाचार्य जो कलयुग में आए,
और इससे पहले शून्यवाद था, मतलब कुछ नहीं, सब कुछ जीरो है, शून्य है, हम सब कुछ क्या है कि माया में हो करके माया एक रूप दे दिया, बस इसमें पढ़ करके ज्ञान से हम खुद को रोहित, हम खुद को ये वो समझ रहे, बस और कुछ नहीं। होने के बाद मृत्यु होने के बाद हम कहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। परंतु इस बात को कौन बताया, इस बात को बताने वाला कोई नहीं था। इसके बाद फिर कौन आ गए, प्रभु जी के, ठाकुर जी की कृपा से उनके आदेश को लेकर के शंकर जी खुद आए। शंकर जी आए, प्रभु जी उनको बुलाए कि देखो ये पूरा जो कलयुग है, कलि इसी के रूप में है, नास्तिकवाद है ये, बिल्कुल भी एक नास्तिकवादी जैसा है, क्योंकि भगवान ही नहीं है, कोई आस्था नहीं है, तो आस्तिक कैसे बन सकता है। इसका मतलब नौ अस्थि ही, किसी की भी नौ अस्थि मतलब कुछ भी नहीं है, ये नास्तिकवाद है। ये विचार को तोड़ने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। शंकर आचार्य बन करके इस धराधाम पे आए और शंकर जी इतने कृपामय है। ये सब जो भी लोग कहते हैं ना, जो वेद को नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि हम सब कुछ है, कोई भगवान भगवान नहीं है, तो ये शंकर जी इन राक्षसों को अलग कर दिया। क्यों, आगे फील्ड तैयार होने वाला है, आगे महाप्रभु आएंगे, उनके परिकर आएंगे, शुद्ध वैष्णव धर्म, शुद्ध वैष्णव सिद्धांत को स्थापन करेंगे। जब इस बात को नहीं, पहले क्या किया जाता है, ये डबल बैटरी चल रहा है, काम चल रहा है, तो पहले क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के आर्थिक काम चल रहा है, पता है नहीं, फील्ड तैयार किया जा रहा है, जंगलों को काटे जा रहे हैं, फिर समतल बनाया जा रहा है, उसके ऊपर पटरी, उसके ऊपर फिर वेल्डिंग वगैरह सब कुछ किया जाता है। क्या है, इससे पहले कि वो फील्ड तैयार करने के लिए ये प्रवृत्ति वाले लोग अपने आप ही शंकराचार्य की ओर और उनके सिद्धांत की ओर खींचे चले जाते हैं। अब बाकी रह गया क्या, शुद्ध मत। अब यही शंकराचार्य जो शंकर खुद है, साक्षात शंकर है, वो तो शिव जी है, परम वैष्णव है, वो उन्होंने, उनको भी तृप्ति नहीं मिला। क्या किया उन्होंने, उन्होंने देखा कि नहीं, अब हमें ये दर्श सिद्धांत स्थापन करके कोई आनंद नहीं आ रहा। उन्होंने जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए असुरों को तो पहले हटा दिया, रुद्र आचार्य बनकर के दोबारा वैष्णव संप्रदाय में आए, और वही गोपेश्वर जिन, जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक हम राजस्थानी में नहीं जा सकते, ऐसे कृपा कर रहे हैं वैष्णव की, ये है उनकी महानता। परंतु जिस समय जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, क्योंकि वो तो कोई साधारण थे नहीं, गुरुदेव ने बताया ना, भीम और हनुमान जी के अवतार है वो बन करके आए मध्वाचार्य शुद्ध भक्ति स्थापन करने के लिए। आपको कोई बताता है, दूसरे मंदिर में जाते हो ठाकुर जी को बाईं तरफ रख के क्यों प्रणाम करना चाहिए, तिलक क्यों लगाना चाहिए, कंठी क्यों, अगर तिलक लगाते ये गाजर जैसी मोटी मोटी तिलक क्यों लगाते हो, कोई बताता है, कोई नहीं बताएगा। शुद्ध संप्रदाय यही है, इसका फिलोसफी कोई बेस नहीं है, इसको मैं खंडन करूंगा। और शंकराचार्य वही है जिन्होंने ऐसे प्रचंड बोधवाद को ये संसार में प्रकट कराया, मैं उनको खंडन करने के लिए संन्यास ग्रहण करूंगा। जब इस बात को उनके पिताजी ने सुना तो इतने में वो गुस्से में क्या कि एक अस्वस्थ पेड़ को तोड़ के ले आए, बोले तुम शंकराचार्य को हरा सकते, बोले हाँ बिल्कुल हरा सकते, बोले शंकर जानते हो कौन है, शंकराचार्य साक्षात भगवान शंभू है, शंकर है, तुम उनको हरा दोगे, हाँ मेरे में वो शक्ति है, मेरे में वो सामर्थ्य है, बोले तुम मतलब तुम तो कोई साधारण नहीं हो, तो इससे तुम वृक्ष उगा सकते हो, तो उन्होंने वहीं पे गाड़ दिया और वहां पे और विशाल वट वृक्ष हो गया। गुरुदेव बता रहे थे आज भी अभी भी अद्यपि वो वृक्ष विद्यमान है। तो ऐसे उनकी मत था कि वो धीरे धीरे, और 11 साल उम्र में उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेकर के वो चले, 8 उन्होंने शिष्य बनाए और उन शिष्यों को लेकर के वो प्रचार करने के लिए चल रहे, कई जगहों पे जा करके भक्ति को स्थापन किया। और वहां पे उन्होंने एक बार क्या हुआ कि एक व्यापारी जा रहा था नौका में कुछ धन संपदा लेकर के, इतने में उन्होंने देखा कि एक गोदावरी से उस तरफ जब वो आ रहे थे, उन्होंने देखा कि व्यक्ति बड़ा परेशान सा है, तो उनके यहाँ पे आया, बोला कि बाबा आप कुछ ऐसा कृपा कर दो, मेरा जहाज ये जो यहाँ पे लग गया है ये चल जा। तो इस बात को सुनकर के उन्होंने केवल कटाक्ष दिया, इतने में वो चल पड़ा, जो ही चल पड़ा वो बहुत खुश हो गए कि आप जो भी इच्छा करो आप, क्योंकि कोई साधन है नहीं, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, पर इतना तो मैं दे सकता हूँ जितना मेरे पास है, तो आप जो भी इच्छा करो मेरे जहाज में से कोई भी अमूल्य रत्न आप चुन सकते हो। जब इस बात को उन्होंने सुना तो उन्होंने पूरा नजर से देखा तो एक वहां पे एक तिलक का बड़ा सा
वो दिखा पत्थर जैसा तिलक का गोलाई आकार का वो बड़ा सा तिलक देखा। तो देखते ही उन्होंने बोला कि मुझे ये तिलक दे दो और तिलक लेकर के आए उन्होंने तोड़ दिया और वहां से एक गोपाल जी प्रकट हुए जिस गोपाल कौन सी मुद्रा में थे नाच जो नृत्य नटवरु नटवर जो उनका जो बबू है जो शरीर है ऐसे उनके नृत्य जैसा कर रहे थे हाथ में छड़ी और जैसे माता यशोदा दधि मंथन करते समय उनके दो दधि दंड को पकड़ करके कह रहे हैं कि माँ मुझे दूध पिला दो इस प्रकार उनकी मुद्रा थी। तो उन्होंने बोला कि जाओ इनको स्थापन कर दो 30 लोग लगे कोई उठा नहीं सके परंतु मध्वाचार्य अकेले आए और प्रभु को हाथ में स्पर्श किया क्योंकि वो तो कोई साधारण ही नहीं हनुमान जी है हनुमान जी की शक्ति तो परंपर है और साथ ही साथ वो भक्त है भक्ति भावना से भगवान को कोई उठा सकता है। तो उनको लेकर के चले गए और उड़पी में स्थापन किया खुद ही स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति है वो किनकी मध्वाचार्य की। इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किया इन्होंने जगह जगह घूम घूम कर भारतवर्ष में जितने भी स्थान में मायावाद जब चल रहा था कि मैं भगवान हूँ ये जो मानते हैं और एक दिन हमारे मृत्यु के बाद हम उस ब्रह्म में मिल जाएंगे हमें और वापस आना नहीं पड़ेगा कोई भगवान नहीं है कोई उनका उनमें से कुछ अमूल्य ग्रंथ था उसको भी उद्धार किया था सुनने में ऐसा मिलता है। उन्होंने केवल गए और केवल उसको उंगली से दबा करके उसकी प्राण ले लिए इतने बड़े शक्तिशाली थे। एक बार उन्होंने देखा स्थान एक जगह है वहां पे उन्होंने क्या देखा कि एक बाढ़ आ रहा है और उस बाढ़ में बहुत पानी गांव के अंदर घुसने वाला था कई लोग एक बहुत बड़ा शिला उठा के वहां पे लगाने की कोशिश कर रहे थे पर कोई कर नहीं पा रहा था। उन्होंने जैसे हाथ में लड्डू लेकर के जाते हैं ना ऐसे लेकर के गए और वैसी उसी स्थान पर यथा स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया और बचा दिया क्योंकि साक्षात ये कौन है मध्वाचार्य साक्षात वो महावीर है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने द्वैतवाद को प्रचार किया। द्वैतवाद का मतलब क्या जीव और क्या भगवान जीवात्मा और परमात्मा ये दो तत्व है कभी भी इसको मत भूलो। और आप भी आज जो भी आपको कोई ऐसी गलत संगी मिल जाए कि हम ही भगवान है निराश उन्होंने एक भाष्य लिखा वो भाष्य है श्री भाष्य। जब तक एक संप्रदाय की कोई भी श्रुति और स्मृति न्याय जितने भी पुराण उपनिषद वेद इत्यादि है उसके ऊपर कोई टीका नहीं लिखा हो वो सही संप्रदाय होते हुए भी उसको अप्रमाणिक कर देंगे नकार देंगे दुनिया में कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने लिखा इसके मध्वाचार्य ने अणुभाष्य लिखा और यही मध्वाचार्य की द्वैतवाद मतलब जीव जीवात्मा और परमात्मा की बात को लेकर के चैतन्य महाप्रभु आए जिसके बाद फिर गौड़ीय संप्रदाय हुआ। उन्होंने उनकी कुछ तत्वों को ग्रहण किया सारे नहीं उन्होंने उनकी अणु तत्व को लिया परंतु अचिंत भेदावेद तत्व को प्रकाशित किया। अचिंत भेदावेद क्या है जैसे जीव और भगवान में कुछ भेद तो है क्या भगवान अणु है अणु विभू है जीव क्या है छोटा है क्षुद्र है परंतु भेद अभेद क्या है कि वो भी चेतन है हम भी चेतन है ये भेद और अभेद को लेकर के महाप्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेदावेद तत्व स्थापन किया। और इन ये संप्रदाय की फिर बाद में जो विष्णु स्वामी है निम्बार्का हुए पारिजात स्वरूप उनके भाष्य हुआ कई भाष्य उनका लिखा गया हमारे संप्रदाय के महाप्रभु के बाद गोविंद भाष्य हुआ। तो इस प्रकार से ये चार संप्रदाय है। आज हम जो भजन कर रहे हैं वही ट्रांसफॉर्मर है जो कृष्ण है थे चतुर्मुख कृष्ण खुद को चतुर्मुख बनाया और वही ब्रह्मा जी उनके हिरण्यगर्भ का अवतार है और नारद भी कौन है नारद भी उनके अवतार है। तो इस प्रकार से भगवान खुद इस बात को फैलाते गए और यहाँ तक आ गए और आज हम यहाँ पे श्री गुरुदेव के चरण में बैठ करके जो चीज को प्राप्त कर रहे हैं चाहे मैं तो कहता हूँ कि बहुत कुछ चीज को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत कुछ चीजों की सार वस्तु ही वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति ग्रहण करता है और वो क्या है कलयुग केवल नाम आधार आधार स्वरूप उस कलयुग में जो नाम है उसको देने के लिए इस संप्रदाय में सद्गुरु की आविर्भूत हुआ। आप लोग हम लोग भजन करें और इस संप्रदाय के अंदर ही जुड़े क्योंकि कुल गुरु और इन वास्तविक अवास्तविक जो बंगाल में आप जाओगे ना क्या बोलेंगे पता है इलिश माचर झोल हरी हरी बोल इलिश मास मतलब एक मछली है उसकी जूस को पियो और उसको खाओ और हरी हरी मतलब तुम्हें भगवान मिल जाएंगे कहते नहीं
अनुकूल्य का संकल्प प्रतिकूल से विवर्जन अनुकूल वस्तु को ग्रहण करो और दृढ़ रूप से जितना अनुकूल वस्तु को ग्रहण करोगे उतना प्रतिकूल वस्तु को भी छोड़ते जाओ। टीवी देख रहे हो नाम कर रहे हो और आस्वाद हो रहा है कहते नहीं प्रतिकूल को छोड़ो तो सही। अभी गुरुदेव बता रहे हैं तंबाकू भी खाएंगे और कैंसर भी सही हो जाएगा दूध भी पिएंगे कहते नहीं। निताई को गुरु प्रमाणंद ओम ज्ञान के नाम से सदा ज्ञान शुभ है जो शुरू में था मेरे को शुभ है भाई इसमें से नीचे डाल दो बस ये हाथों पर कर लो बस यहाँ से बस हाँ बस यही पकड़ो बोलने का नहीं बिल्कुल भी तार मत तोड़ो नहीं नहीं तार से नहीं यहाँ टच होने वहाँ हाथ से होगा ठीक है बस अब नहीं होगा बस अब नहीं होने वो अर्थिंग मिलती है ना उसको शरीर की नीचे उनके कुछ सिद्धांतों का उनकी कुछ शिक्षाओं का वर्णन करने के लिए मैं आज बुक पढ़ रहा था। चार वैष्णव आचार्य मेरी हवा खराब हो गई पढ़ के इतने गुण इतने मतलब इतने भयंकर वाले सिद्धांत दे रखे हैं इसमें जिनको इस जन्म में मेरे लिए समझना तो बड़ा मुश्किल है। उसमें से जो मैं कुछ समझ पाया वो उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके जो सिद्धांत हैं क्यों चैतन्य महाप्रभु ने हमारी संप्रदाय को आकर के हमारी संप्रदाय में आए इस विचार से क्यों मध्वाचार्य के संप्रदाय को उन्होंने अवलंबन किया इस बारे में मैं थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करूंगा। रोक दें गुरुदेव अपना रोक दें चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है भगवान स्वयं कृष्ण शास्त्र में कृष्ण नहीं बताया अगर भक्ति करना तो ये चार वैष्णव संप्रदाय में कोई एक संप्रदाय को ग्रहण करनी चाहिए इसलिए भगवान ने देखा अगर मैं स्वयं स्वीकार नहीं करूंगा फिर जीव कैसे क्या कैसे मिलेगा इसे यद्यपि वो कृष्ण है तो कृष्ण है और राधा रानी उनको कोई संप्रदाय की जरूरत नहीं क्योंकि हम उन्हीं के पाने के लिए उपासना कर रहे हैं उनको तो पाने के लिए उपासना करें उनको कोई जरूरत नहीं किसी संप्रदाय को ग्रहण करना लेकिन इसलिए बोले साधु गुरु रूप कृष्ण आयल न दिया इसलिए भगवान कलयुग में कृष्ण होते हुए भी उन्होंने एक भक्त बन करके उन्हें शिक्षा दिया अगर भक्ति करना तो कैसे भक्ति करनी चाहिए इसलिए बोले साधु पावा बड़ कष्ट जिवर जाएगा इसलिए महाप्रभु देखा कलयुग में साधु मिलना बड़ा कठिन साधु मिलना बड़ा कठिन सकत है भक्त बनना बड़ा सकत है हाँ बड़ा सकत है इसलिए महाप्रभु ने एक साधु बन करके आए और स्वयं अपना जीवन में आचरण करते हुए सिखाया अगर भक्ति करना चाहोगे तो कैसे भक्ति करनी चाहिए इसलिए महाप्रभु ने स्वयं ये चार संप्रदाय में उन्होंने घूमे और उन्होंने जो हमारे जो संप्रदाय हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय को महाप्रभु ने स्वीकार किया। अगर मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो जीवों को शिक्षा क्या मिलेगा मैं सिखाने के लिए तो आया हूँ ना मैं भगवान इसलिए उन्होंने चार का संप्रदाय था श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक ये चार वैष्णव ये चार अभी महाप्रभु ने ये हमारी ये संप्रदाय को तुम ग्रहण किया इसका क्या रहस्य है इसके अंदर में क्या रहस्य है उन्होंने क्यों इसी संप्रदाय को ग्रहण किया ये प्रभु जी हम उसी विषय पर थोड़ी सी बताएंगे। जब मध्वाचार्य ने दीक्षा ग्रहण करी तो 12 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया बिना किसी को बताए अपने परिवार वालों को बताया भी नहीं चलने दिया और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने उनका एकमात्र अपने जीवन का लक्ष्य था कि मुझे मायावाद का खंडन करना है। फिर उन्होंने उनके 8 प्रमुख शिष्य हुए उसमें एक ग्रस्त शिष्य थे ऐसे जीवन व्यापन करते हुए उनका जो सिद्धांत था उसमें गुरुवर्गों ने काफी टीकाएं दी हैं इस बारे में काफी विचार दिया है कि क्यों महाप्रभु ने हमारी संप्रदाय क्या बोले स्वीकार की
उसमें से कुछ जो साधारण लगे मुझे मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा। पहला था कि जो हमारे जो संप्रदाय है उसमें सच्चिदानंद तत्व को स्वीकार किया है और उसकी नित्यता को स्वीकार किया है। सच्चिदानंद तत्व मतलब सत चित आनंद, जैसे गुरुदेव कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और उसकी आधारशिला क्या है, बोले जो अचिंत्य भेद तत्व है, अचिंत्य भेद तत्व उसकी आधारशिला क्या है, बोले सच्चिदानंद विग्रह। अभी गुरु जी ने बताया अचिंत्य भेद तत्व, अचिंत्य भेद तत्व क्या है, बोले स्वगत सजातीय और विजातीय, ये तीन प्रकार के भेद होते हैं। इसमें कुछ स्वगत भेद अर्थात बोले एक ही जाति में परस्पर भेद, जैसे इसकी डेफिनेशन के लिए बोलते हैं एक ही वस्तु एक ही जाति में परस्पर भेद, जैसे स्वगत भेद, नहीं एक ही वस्तु के विभिन्न अवयवों में परस्पर भेद, जैसे कहने के लिए एक मकान है लेकिन उसमें भेद कितना है, बोले उसमें एक वस्तु है क्या, नहीं बोले गेट है, विंडोज है, पिलर्स है और लेंटर्स है, इतनी सारी चीजें और हर किसी का कार्य अलग अलग है, लेकिन भगवान में ये भेद नहीं देखा जाता। बोले कैसे, बोले जो खिड़की का कार्य है वो गेट नहीं कर सकता, और जो गेट का कार्य है वो खिड़की नहीं कर सकती, जो पिलर का कार्य है वो लेंटर नहीं, और जो लेंटर का कार्य है वो पिलर नहीं कर सकते, इसे कहते हैं स्वगत भेद। बोले भगवान में ये भेद नहीं देखा जाता। बोले कैसे, बोले भगवान की जो समस्त इंद्रियां हैं वो समस्त प्रकार के कार्य कर सकती हैं। बोले आंखों से वो प्रसाद ग्रहण मतलब भोग ग्रहण कर सकते हैं, मुंह से देख सकते हैं, कान से सूंघ सकते हैं और नाक से सुन सकते हैं, उनकी हर इंद्रिया हर प्रकार का कार्य कर सकती है। दूसरा उसमें बताया सजातीय भेद, सजातीय भेद अर्थात एक ही जाति में विभिन्न प्रकार के भेद, जैसे कि मनुष्य मनुष्य में भेद, जानवर जानवर में भेद, वृक्ष वृक्ष में भेद, पक्षी पक्षी में भेद, कुत्ता और बिल्ली जानवर है लेकिन भेद कितना है, स्वरूपता भेद है, कोई बिल्ली है मतलब सब जानते ही है, लेकिन भगवान में भगवान के सजातीय कौन है, बोले भगवान के अवतार, उनमें और उनके अवतारों में कोई भेद नहीं है। कोई बोले कैसे भेद नहीं है, वामन देव छोटे से त्रिविक्रम इतने बड़े, उन्होंने तीन पग में पूरे पूरे जो 14 लोग हैं उनको नाप दिया, तीन में नहीं दो में ही। और फिर जो नरसिंह भगवान है उनका रूप अलग है, और जो वरादेव है उनका रूप अलग है, रामचंद्र का रूप अलग है, कृष्ण का रूप अलग है। बोले कि फिर अगर आप कह रहे हो कि सजाती भेद तो रूप तत्व अलग अलग है, सबके जो अस्त्र है वो भी अलग है, तो बोले कैसे एक हो सकते हैं। बोले कि इसके लिए एक श्लोक आया, श्री ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में बोला दीपार्चिरे दशा रंगोपेत्य दीपायते विरुद्ध हेतु समान धर्मा यस्ताद्रिके च विष्णुदय विवादि गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजामि। बोला कि जिस प्रकार एक दीपक से अनेक दीपक चलाओ, दिखने में कितने सारे दीपक हैं लेकिन सबका धर्म क्या है, बोले एक है, क्या, रोशनी, रोशनी देना। ऐसे ही देखने में हमें लगता है कि भगवान के कितने सारे रूप और सबके रूप अलग अलग हैं, लेकिन वास्तविक तत्व क्या है, वो बोले एक ही तत्व है। क्या तत्व है, विष्णु तत्व। फिर तीसरा बताया विजातीय भेद, विजातीय भेद अर्थात एक जाति का दूसरी जाति में भेद पाया जाना, जैसे मनुष्य का जानवर में भेद पाया जाना, जानवर का वृक्ष में भेद पाया जाना, वृक्ष का पशु पक्षी में भेद पाया जाना, यानी एक जाति का दूसरी जातियों में भेद पाया जाना। बोले भगवान की विजातीय कौन है, बोले माया शक्ति। बोले भगवान कौन है, बोले सच्चिदानंद विग्रह, लेकिन माया कौन है, बोले जड़। बोले जड़ और सच्चिदानंद विग्रह में किस प्रकार से अभेद है, बोले कि जो माया शक्ति है वो भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया शक्ति है, यानी भगवान की स्वरूप शक्ति कौन है, छाया, जैसे कि मेरी परछाई में और मुझ में कोई भेद है क्या, बोले नहीं। भगवान की स्वरूप शक्ति कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। और जो दुर्गा देवी है, बोले माया देवी कौन है, कोई और नहीं, साक्षात दुर्गा देवी ही माया देवी है। बोले जो दुर्गा देवी है वो राधा रानी की परछाई है, और राधा रानी कौन है, जैसे गुरुदेव सुबह अपनी क्लास में बता रहे थे कि राधा रानी कोई और नहीं, यदि कृष्ण की जो कृष्ण का जो प्रेम है उसको मूर्तिमान रूप प्रदान करो तो वो कौन है, स्वयं श्री राधा रानी, और राधा रानी में कृष्ण में कोई भेद नहीं है, नहीं है। तो शक्तिर शक्ति मदो अभेद, इसकी एक सिद्धांत है वेद में, शक्तिर शक्ति मदो अभेद। जैसे कि मैं कहूं कि मैंने 80 किलो वेट उठाया, या मैं ये कहूं कि मैंने अपनी शक्ति से 80 किलो वेट उठाया, दोनों सेंटेंस में कोई फर्क है क्या, नहीं। बोले नहीं, वेट किसने उठाया, बोले मैंने। तो भगवान की शक्ति में कोई भेद नहीं है। ये पहला कारण था कि हमारी संप्रदाय में अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्वीकार किया गया है। दूसरा श्रील मध्वाचार्य एक तत्व जो उन्होंने स्थापित किया वो था शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद में उन्होंने पांच
मेन चीजें स्थापित करी, पहला जीव और भगवान में भेद, दूसरा जीव जीव में भेद, तीसरा भगवान और जड़ में भेद, चौथा जड़ और जीव में भेद, पांचवा जड़ जड़ में भेद। पहला जो था ईश्वर और जीव में भेद, बोले ईश्वर और जीव में भेद कैसे, जो मायावादियों का जो प्रचार है वो क्या है, बोले जीव ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म में ना परा, बोले ब्रह्म सत्य, बोले एकमात्र ब्रह्म ही सत्य वस्तु है, ये जगत क्या है ये मिथ्या है, मतलब ब्रह्म है मतलब झूठ है, जो दिखाई दे रहा है कुछ नहीं है, ये जीव ब्रह्म एक ना परा, बोले जो जीव जो हम दिखाई पड़ रहे हैं आप कोई और नहीं साक्षात ब्रह्म हो, यानी आप स्वयं भगवान हो, अपने आप को जीव मान रहे हो अज्ञान व्यवस्था, ऐसा मायावादियों का सिद्धांत है। लेकिन मध्वाचार्य ने इसको पांच प्रकार से खंडन करते हुए बोला, पहला उनका जो था वो था ईश्वर और जीव में भेद, बोले ईश्वर कौन है, बोले वो बृहद वस्तु है, ये थोड़ा सा थ्योरिकल हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा, पर ये हमारी बड़े अच्छी बात है, आपने जो सिद्धांत बताया ना वो अच्छी बात है, बस सुननी चाहिए, सुनेंगे तो समझेंगे, कोशिश करो समझने की, मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ बात ही ले रहे हैं, बोले कब खत्म होगा। ये हमारी संप्रदाय का मेन सिद्धांत है, अगर हमने ये नहीं जाना और किसी ने कोई हमसे तर्क करने लग गया कोई माया, तो बोले हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, हम अगर हमें ये सब नहीं पता होगा तो एक ना एक दिन अगर हम 10 दिन किसी मायावादी के संग करेंगे ना तो अपने जगन्नाथ जी बोलेंगे हम लकड़ी के हैं, असली तो हम ही भगवान हैं, ऐसा बोलने लगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी अगर हमें ये सिद्धांत नहीं पता होंगे तो, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एटलीस्ट सबको पता तो होनी चाहिए कि हम लोग हैं कौन, हम किस संप्रदाय में हैं। दूसरा उन्होंने दूसरा बोले भगवान कौन है, बोले बृहद वस्तु, बृहद मतलब बड़ी बड़ी बड़ी, और जीव कौन है, आत्मा, बोले अंश, भगवान स्वतंत्र है पर जो जीव है भगवत परतंत्र स्वतंत्र है, ऐसे करके इसमें कई सारे भेद बताए उन्होंने। फिर जो दूसरा बोले जीव जीव में भेद, बोले जीव दो प्रकार के होते हैं, बोले एक मुक्त और एक बद्ध, बोले बद्ध जीवों में किस प्रकार से भेद है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई ब्राह्मण है कोई वैश्य कोई क्षत्रिय है, और जो मुक्त जीव है कुछ लोग कहते हैं कि भजन करने के बाद सब मतलब किसी भी कुछ भी कर लो सब जाएंगे कहां पे, एक ही जगह पे, लेकिन श्री मध्वाचार्य ने इस बात का मतलब दूसरे तरीके से बताया, बोले एक ही जगह जाने का मतलब क्या है, बोले कि एक ही जगह पे जाने का मतलब सब एक ही जगह नहीं चले जाएंगे, बोले अगर हम वैकुंठ में जाएंगे भी तो बोले सबको अपने अपने अधिकार के अनुसार अपनी अपनी वैशिष्टता के अनुसार अपनी अपनी सेवा प्रदान करी जाएगी, बोले वैकुंठ कोई छोटा सा नहीं है, बोले एक रूम की तरह सारे भर दिए उसमें, बोले इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना से बाहर है, त्रिपद विभूति प्रभु जी बता रहे हैं, वो वैकुंठ क्या है, त्रिपद विभूति, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता। तो बताया कि नहीं वहां पे कोई चार्ट लिखा लगा हुआ है, सबसे नीचे सदाशिव, उसके ऊपर वैकुंठ, उसके ऊपर अयोध्या, उसके ऊपर द्वारका मथुरा गोलोक वृंदावन, जिसका जैसा अधिकार होगा जो जिस रस का भक्त होगा वो अपने रस के अनुसार उस धाम में नित्य परिकर के रूप में चला जाएगा। फिर दूसरा फिर जो उन्होंने बताया बोले ईश्वर और जड़ में भेद, बोले ईश्वर और जड़ में भेद कैसे, भगवान कैसे हैं, बोले सच्चिदानंद विग्रह नित्य हैं, उनमें कोई विकार नहीं होता, उनकी एज 16 साल की है तो 16 साल की ही रहती है, वो ऐसे नहीं कि माता यशोदा आज जन्म लिया कल बड़े हुए उसके बाद घटते चले गए, बोले नहीं, माता यशोदा के लिए वो नित्य बालक है, उनके सखाओं के लिए नित्य गोप है, और राधा रानी के लिए वो नित्य किशोर रूप में है, उनका ऐसा नहीं है कि आज जन्म लिया कल बड़े हुए फिर परिणाम मतलब फिर संतानोपत्ति बुढ़े और मर गए, भगवान में ऐसा नहीं है। लेकिन जड़ वस्तु क्या है, बोले पहली बात नित्य नहीं है, नित्य मतलब इस जगत में प्रलय होती है, दूसरा विकारी है, बोले आज जिस टेबल का अगर हमने आज अगर ये टेबल बनी है तो धीरे धीरे पुरानी होती चली जाएगी और एक समय के बाद खत्म। फिर तीसरा बताया, तीन हो गए, चौथा था जीव जीव में भेद होगा, जड़ जड़ में भेद, बोले जड़ जड़ में भेद कैसे, बोले जो जहर है उसको खाने से मृत्यु होती है, जो अमृत है उसको खाने से जीवन प्राप्त होता है, और जो जहर जो करेले का रस है वो कैसा है, कड़वा है, और जो अमृत है जो सूप है मैंगो शेक कैसा है, बोले मीठा है। तो बोले इस प्रकार से उन्होंने पांच तत्वों के द्वारा जो भेद तत्व है जगत में उसकी स्थापना करी। इस स्थापना के कारण महाप्रभु ने देखा कि अगर ये भेद तत्व रहेगा तो यहाँ पे मायावाद कभी भी
प्रवेश कर ही नहीं सकता, और जहां पे मायावाद नहीं है वहां पे सिर्फ एक ही वस्तु होगी, क्या बोले, श्रीमद भगवान की सेवा। इसीलिए उन्होंने हमारी संप्रदाय अंगीकार की। तीसरा कारण, जैसे गुरुदेव ने स्टार्टिंग में बताया कि उन्होंने ही चार संप्रदाय का गठन किया, बोले अगर मैं खुद इस संप्रदाय में प्रवेश नहीं करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, बोले खुद तो आचरण करके दिखाया नहीं और हमें बोल रहे हो कि संप्रदाय के अंदर आ जाओ। तो भगवान ने आमनाय तत्व की सनातनता के लिए अपने खुद हमारे संप्रदाय को अंगीकार किया। चौथा कारण जो गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं और उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा, पर हमारे गुरुदेव बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं, बोले क्या, बोले भागवत में जिस धर्म की व्याख्या की गई है उस धर्म को क्या बोले उसको प्रचार करने के लिए हमारी हमारी जो परंपरा है उसको अंगीकार किया। बोले भागवत में किस धर्म की व्याख्या की गई है, बोले जहां पे सृष्टि के जो रचयिता है कौन, ब्रह्मा जी, वो खुद ब्रज के भार क्या शिला के रूप में अपना जन्म चाहते हैं। बोले क्यों, बोले जब ब्रज के भार जब छोटी जाति वाली जो क्या बोले बहेलियां जब आएंगी और जब अपने चरण साफ करेंगी तो उनके चरण की धूली मेरे मस्तक पे होगी। बोले उद्धव जी के लिए भगवान क्या बोलते हैं, ना तथा मैं प्रियतम आत्मीयोनि शंकरा ना च संकर्षण न श्री नैवात्मा चेता भवान। बोले मेरे लिए ना तथा मैं प्रियतम, बोले मेरे लिए मेरा पुत्र ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी, मैं खुद अपने आप को इतना प्रिय नहीं जितना तुम मेरे प्रिय हो। वो उद्धव क्या चाहते हैं ब्रज में, बोले गुल्म लता औषधि इन रूपों में अपने आप को चाहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन गुरुदेव ज्यादा अच्छी करते इसलिए मैं करना नहीं चाहता। फिर और हमारे और जब महाप्रभु के आने का जो मेन कारण था उसमें ये था कि मेरी मधुरिमा कैसी है जिसका राधा रानी आस्वादन करती है, और दूसरा राधा रानी की मधुरिमा कैसी है, और तीसरा मेरी मधुरिमा का आस्वादन करके राधा रानी को किस आनंद की अनुभूति होती है, इस भाव को महाप्रभु आस्वादन करना चाहते थे। बोले ये भाव कहाँ प्राप्त होगा, जहां सिर्फ कृष्ण की पूजा होती होगी। बोले श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। बोले और विष्णु स्वामी संप्रदाय में जो नरसिंह देव की होती है, और उसमें सिंबाग में कृष्ण और रुक्मणी की होती है, वहां पे स्वकीय भाव है। पर लेकिन एकमात्र हमारी संप्रदाय है जिसमें महाप्रभु ने आकर के परकीय भाव का प्रचार किया। वांछा गणपति आप लोग समझ में आया कि धीरे धीरे समझेंगे बहुत सुनते, इसलिए आज श्री मध्वाचार्य जी का तिरुभाव तिथि है, इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया था, ठाकुर जी हमें एक अमर पुत्र की प्राप्ति हो। सचमुच से जब वो तैतरीय परिषद को पाठ कर रहे थे, पाठ करते करते देवता लोगों ने फूल की बौछार करना शुरू कर दिया। अब बौछार करते 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 फूल में पूरा पूरा डर गए। शिष्य ने देखा भैया ये क्या हो गया, गुरु जी को तो फूल बरसात बरसात गुरु जी ढक ही गए और कोई शब्द नहीं आ रहा है। फिर जब उन्होंने फूल को खोला ना, देखा गुरु जी है ही नहीं, गुरु जी है ही नहीं, इसलिए उन्होंने अपना धाम को चले गए। इसलिए कहते इनकी जो फिलोसफी प्रभु जी बताया उसमें और 10 उन्होंने सिद्धांत को स्थापन किया। जैसे महाप्रभु का जो आमनाय प्राह तत्व हरिम परम सर्वशक्ति रसाधीम तद विभिन्नाश जीवान प्रकृति कवलिता तद विमुक्ता स्वभावास, ये जो 10 तत्व है इन्होंने मतलब जीव ही भगवान की नित्य सेवक है और भगवान हमारे नित्य सेव्य है, हम भगवान के विभिन्न अंश है, और जब तक श्री गुरु परंपरा में नहीं रहेंगे वो भगवत तत्व भक्ति हमें नहीं मिल सकते हैं, कृष्ण ही पर तत्व है। उन्होंने 10 विशेष करके 10 सिद्धांत गुरु ने स्थापन किया, इसलिए आज इनकी तिरुभाव है, मतलब आज का दिन उन्होंने शरीर छोड़े, इसलिए हम सबके सब इनको प्रणाम करते हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय मतलब किया है, हैं? कहते श्री मध्वाचार्य जी का बचपन का नाम था गौरवपूर्ण, इनका बचपन का नाम था गौरवपूर्ण, इसलिए भी ये गौड़ीय। दूसरा मतलब है महाप्रभु गौड़ देश में जन्म हुए, हम लोग जाए ना नवद्वीप में, गौड़ देश में महाप्रभु जन्म हुए। तीसरा कारण है क्यों हम लोग गौड़ीय है, राधा रानी गोरी है, राधा रानी ये गोरी है श्री राधा रानी, हम लोग राधा जी की आनुगत्य में हम लोग कृष्ण भक्ति करने वाले, इसलिए कृष्ण की 3 तरह के सखियां हैं, एक तटस्थ, एक स्वपक्ष और एक विपक्ष, उनका 3 तरह के सखियां हैं।
तीन तरह का सखिया में तटस्थ मतलब है जो कृष्ण को भी प्रेम करते हैं और श्री राधा रानी को भी प्रेम करते हैं। बोले ये लोग कौन है? बोले ललिता विशाखा आदि सखे लोग है। कुछ लोग विपक्ष मतलब जो राधा जी की भजन नहीं करते केवल कृष्ण भक्ति करते हैं, कहते चंद्रावली सभ्या आदि कुछ सखियां हैं, लेकिन ऐसे कुछ सखियां हैं जो केवल कृष्ण को ही राधा जी को ही प्रेम करती है। राधा जी के सुख में सुखी और राधा रानी के दुख में दुखी। अगर राधा कृष्ण दोनों पासा खेल के हुई हो ना, अगर राधा रानी अगर जीत गई बात खुश ताली बजाते हैं, लेकिन अगर राधा रानी हार गई ना इनका मुंह सूख जाती है। बोले हमारे किशोर जी हार गई है, हमारे किशोर राधा रानी हार गई है, इसलिए जो सपक्ष है कहते केवल राधा जी के सुख में सुखी और राधा जी के दुख में दुखी है। हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय मतलब है, गौड़ीय मतलब राधा रानी गौरी, हम लोग राधा जी की सुख में सुखी और राधा जी की दुख में हम लोग दुखी है। राधा जी के आनुगत्य में हम लोग भक्ति करने वाले, इसलिए हमारी संप्रदाय का नाम है श्री गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, इसलिए जो कल है और एक बहुत बड़े महापुरुष का जन्मतिथि है, कहते श्री रामानुजाचार्य, इनकी बहुत प्यारी प्यारी कथा, इनकी एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ, फिर कल इनकी कथा सुनाने समय तो हो गया है इसलिए दो मिनट देखो। एक सब रामानुजाचार्य के जब वो जा रहे थे कि गांव में, उनके दो शिष्य था, एक शिष्य था बड़े पैसा वाला, लेकिन एक शिष्य था बहुत ही गरीब, बहुत ब्राह्मण करके हैं लेकिन बहुत ही गरीब, लेकिन उसकी जो पत्नी थी बड़ी सुंदर थी, बड़ी प्यारी सुंदर थी और बड़ी पतिव्रता नारी, बड़ी सती नारी थी उनकी पत्नी। एक समय रामानुजाचार्य अपना शिष्यों के साथ में चल रहे थे, चलते चलते देखा बीच में वो गाँव आने वाले, सोचा हम शिष्यों को घर होते हुए चले जाएंगे। तो उन्होंने एक शिष्य को भेज दिया जाकर खबर दो एक पैसा वाला और एक थोड़ा बहुत गरीब है। उन्होंने सोचे जो पैसा वाला वो भक्तों घर में जाएंगे। उन्होंने शिष्य गया और बोल दिया, बोले गुरु जी आपके घर में चाह रहे, आज गुरु जी आपका घर में आएंगे, प्रसाद पाकर भी विश्राम करते हुए जाएंगे। लेकिन जब उसने सुना गुरु जी आ रहे हैं, वो इतने व्याकुल हो गया, बोले गुरु जी आ रहे हैं, आओ भाग्य है। लेकिन जो गुरु भाई तुम्हें खबर दिया वो तो गुरु भाई के दल में ध्यान नहीं दिया और वो अंदर में गए तो गुरु जी आएंगे, उसके लिए सजावट, उसके लिए सब चीज बनाना खनाना सब कुछ, उसमें ऐसे बिजी हो गए गुरु भाई, उनका गुरु भाई ये थे, और गुरु भाई खड़े होते हुए शायद आएंगे कुछ बात करेंगे, नहीं तो पानी पूछेंगे, दूर से आए एक गिलास पानी हो, आप आए हो, कोई अभ्यर्थना नहीं। वो खड़े खड़े दो तीन घंटा तक खड़े हुए और कुछ बोले नहीं, उन्होंने वापस आ करके फिर उन्होंने गुरु जी को बोले, गुरु जी रामानुजाचार्य को मैंने तो उनको खबर दिया जो गुरु जी आ रहे, लेकिन आपके नाम सुनकर तो अंदर में चले गए खुश होकर के, लेकिन हमें पानी तक भी पूछा नहीं, तीन घंटा तक खड़े होते थे, हम वापस आ गए। गुरु जी बोले भैया केवल गुरु जी को सम्मान करना, गुरु भाई होंगे क्या सम्मान नहीं करना, सबको सम्मान करनी चाहिए जथा योग्य। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे गुरुदेव आप कृपा करो सबको जथा योग्य जैसे हम सम्मान कर पाए, सबको सम्मान करनी चाहिए। इसलिए रामानुज आचार्य सुनकर क्रुद्ध हो गए, असंतुष्ट हो गए, बोले उनके घर में नहीं है इसको, लेकिन उसको पास में जो गरीब घर है, बहुत ही गरीब है, ब्राह्मण घर के बहुत, बोले हम उनके घर में जाएंगे। जब उन्होंने रामानुज आचार्य आए उनके घर में, जब रामानुज आचार्य आए उस समय उनका जो पति भरत आचार्य भरतदेव वो गए थे भिक्षा के लिए, गए थे ब्राह्मण है, रोज रोज भिक्षा करके आपका जीविका निर्वाह करते, तो भिक्षा में गए थे। जब से रामानुज आचार्य घर में पहुंचे तो इतने गरीबी है, उनकी पत्नी की किसी तरह से अपना शरीर को कपड़े से ओढ़ते थे, मतलब शरीर को ओढ़ने के लिए भी पूरा कपड़ा है नहीं। इतने में रामानुज आचार्य शिष्यों के साथ में बिना बोले पहुंच गए। जब पहुंच गए उन्होंने दरवाजा खटखटाए, जब दरवाजा खटखटाए उसने सोचा शायद पतिदेव आ गए, हैं शायद पतिदेव आ गए। उन्होंने जब आए जब दरवाजा खोले देखा पतिदेव नहीं गुरुदेव, हैं पतिदेव ने श्री गुरुदेव अपना गुरु भाइयों को साथ में हमारे गुरु भाई को लेकर के गुरुदेव आए और उनको देख करके अभी शरीर में संपूर्ण शरीर में कपड़े तक भी ढकने का पास में कुछ है नहीं। उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किए और घर में जाकर के छुप छुपी, अभी क्या करेंगे
इतने में श्री रामानुज आचार्य जी ने किया क्या, अपना जो उतर था ना साधुओं को जो वस्त्र था, उन्होंने ये कपड़े को उन्होंने उनको फेंक के अंदर में, उनको अंदर में फेंक के, बोले तुम शरीर ढक करके आओ। तब गुरु जी के कपड़े को उन्होंने किसी तरह शरीर को ढका, आकर के गुरु जी को, गुरु भाइयों को उन्होंने स्वागत किया, अभ्यर्थना किया, गुरु जी की चरण धोए, चरणामृत लिया, गुरु भाइयों का आदर किया, आदर करके सबको घर में बैठा। अभी तो सोच में पड़ गए, घर में तो कुछ रही नहीं, अभी गुरु जी को क्या सेवा करें, गुरु भाई का हम क्या सेवा करें, घर में कुछ भी नहीं। अब पति गए भिक्षा, ब्राह्मण पहले क्या करते थे, भिक्षा के द्वारा जो आते थे उसको रोसी बना करके खाते थे, घर में कुछ है नहीं, अभी गुरु जी का हम सेवा क्या करें। अभी सोचते सोचते उसने सोचा, वो जो पास में उसके एक धनी व्यक्ति था, उपदेश सेठ था, लेकिन वो सेठ था, वो पैसा वाला था, लेकिन ये जो थी ये बहुत सुंदर दिखने में और बड़ी पतिव्रता नारी थी और देखने में बड़ी ब्राह्मण व्यक्ति बड़ी सुंदर थी, इसलिए उसका जो बुरा नजर उसको पड़ता था, वो कभी कभी उसको बोलता था हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ, कभी कभी उन्होंने प्रेम प्रकाश करता था, लेकिन ये थी सती नारी, इसलिए कभी भी उनके उनको प्रसव उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो बहुत चाहता था इसको। उसने देखा भैया इधर शरीर है ना, मिट्टी मिट्टी की बना हुआ शरीर, किसी आप तेज वर्तुम मिट्टी वायु जल अग्नि से ये शरीर, शरीर तो एक दिन नष्ट हो ही जाएगी, अगर ये शरीर देकर अगर गुरु जी की अगर सेवा हो इससे बढ़िया क्या हो सकती है। बोले अभी मौका मिला गुरु जी सेवा के लिए इस शरीर को हम देने के लिए, उसने एकदम निर्लज्ज होकर के उसने गई उस सेठ के पास, बोले देखो आप तो मेरे को बहुत चाहते थे, लेकिन मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं राजी हूँ, लेकिन आज मेरे घर में गुरु जी आए, हम आज गुरु जी की सेवा करना चाहते हैं, अपने घर में कुछ है ही नहीं, इसलिए पहले मेरे गुरु जी सेवा के लिए कुछ मदद करो। वो तो सुनकर इतने खुश हो गया, इतने वो तो चाहता था वो मेरे पास में आए, इतना खुश हो गए, बोले तुम्हारी मन मर्जी जो कुछ इच्छा ले जाओ, हैं चावल दाल रोटी सब्जी जितना दूध किच काजू किशमिश जो कुछ चाहिए तुम सब कुछ हो, एकदम उसने लुटा दिया, बोले सब ले जाओ और जी भर करके गुरु जी का सेवा करो। और उसने लाए और ला करके उसने बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने गुरुदेव ने दाल चावल सब्जी खीर है हलवा अच्छे तरह से गुरु जी के लिए उन्होंने बढ़िया बढ़िया उसने खाना बनाया और ठाकुर को भोग लगाया और भोग लगा करके ठाकुर जी को उन्होंने गुरु जी की और गुरु भाइयों को उन्होंने सेवा किया और गुरु जी गुरु भाई खा करके बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, वाह इतने सुंदर प्रसाद बनाया, हाँ इतने सुंदर प्रसाद। और घर तो साधारण घर, गुरु जी विश्राम किया, गुरु भाई विश्राम किया, इतने में पति आए। जब पति आए देखा घर में गुरु जी और गुरु भाई लोग घर में और वहां पर बैठे विश्राम कर रहे हैं, इतने देख कर वो भी चिंता में पड़ गया कि वो जो भिक्षा लाते थे थोड़ी सी कोई चावल कोई थोड़ी सब्जी लाते थे, लेकिन गुरु जी आए गुरु भाई इतने आए, अभी वो तो सोच में पड़ गए भैया अभी गुरु जी गुरु भाई की सेवा कैसे करें, सेवा कैसे करें। इतने में उसको पत्नी ने उनको बुलाया, बोले इधर आ जाओ इधर आ जाओ। उसने कहा भैया गुरु जी की सेवा कैसे करें, बोले चिंता मत कर सब कुछ व्यवस्था हो गया। बोले कैसे, उन्हें सारी बात को सुना, ऐसे ऐसे वो व्यक्ति मेरे को बहुत चाहता था, मैंने देखा ये शरीर देकर अगर गुरु जी की सेवा हो जाए एक दिन तक नष्ट होने वाले हैं, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकता है, इसलिए मैंने उसको पास में बोल दिया अब जो चाहता हूँ करने के लिए इच्छा है। लेकिन उसने आज मेरे को साग सब्जी दाल चावल सब कुछ दिया, मैंने सब कुछ सुन करके गुरु जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्यों एक दिन शरीर नश्वर अगर देकर गुरु जी की सेवा हो गया तो इससे बड़ी चीज क्या है। जब आपस आपस में वो बात कर रहे थे इतने में रामानुज आचार्य तो साधारण नहीं, कल उनका तिथि वो रामानुज मतलब राम के छोटे भैया लक्ष्मण सख्यात शेष देव शेषकात शेष नाग जिसने अनेक ऊपर में विश्व ब्रह्मांड को धारण करके रखा वो सख्यात बलदेव प्रभु सख्यात श्री बलदेव प्रभु ने अंतर जाम सूत्र से सूक्ष्म समझ गए, वो तो साधारण थे नहीं समझ गए। फिर जब ये आपस आपस में बात कर रहे वो सोए नहीं थे, वो सुन रहे थे आपस आपस में ये बात कर रहे हैं, इसको सुन करके तब उन्होंने उसका जो उन्होंने बुलाया रामानुज बोले इधर आ, बोले इधर आकर बोले देखो वो जो सेठ के पास में जाओगे ना ये काम करो मेरे कुछ प्रसाद ले जाओ उनको मेरे प्रसाद उनको देना उनको मेरे प्रसाद तुम उनको देना। अभी उन्होंने प्रसाद लिए और जो
ब्राह्मण था, अपना खुद अपना पत्नी को लेकर उसने गया सेठ को पास में, क्योंकि आज गुरु जी सेवा के लिए आपने हमें मदद किया है, हम तो तुम्हारी ऋणी हो गए, हम तो सोच में पड़े गए थे गुरु वैष्णव की सेवा कैसे करें। उन्होंने पति स्वयं अपना पत्नी को लेकर वहां पर गए, जाकर बोले देखो हमारे गुरु जी ने बताए ये प्रसाद आपको देने के लिए। लेकिन उन्होंने जब अपना प्रसाद को उन्होंने उस सेठ को दिया ना, उस सेठ प्रसाद खाते ही, लेकिन प्रसाद किसके है, दाऊ भैया के प्रसाद, भगवान बलदेव अनंत देव का प्रसाद है, ठाकुर को भोग लगाया जगन्नाथ जी, फिर भगवान फिर अनंत देव प्रसाद पाए। उन्होंने प्रसाद पाते ही पता नहीं उसका हृदय अपने आप बदल गई, उसके हृदय में जो काम वासना थी ना वो काम वासना दूर हो गया, और उसने रो रो कर उनके चरण में गिर पड़ा, बोले मैंने मेरे अंदर में कितने दुर्भावना थी, हाँ कितने दुर्भाव भरा थी, इसलिए मेरे अपराध हो गया, मेरे अपराध को माफ करो और मेरे को अपना गुरु जी को पास में ले चलो, गुरु जी को पास में ले चलो। फिर हृदय परिवर्तन हो गया, फिर उन्होंने अपना गुरु जी को पास में लाए, गुरु जी के चरण में उन्होंने प्रणाम की, प्रणाम किया गुरु जी से, रामानुज आचार्य से, फिर उन्होंने पति पत्नी दीक्षा मंत्र लिए, फिर रामानुज आचार्य के शिष्य दोनों ही बने गए। इसलिए कहते ऐसे श्री रामानुज आचार्य है, इनकी बहुत प्यारी प्यारी बहुत इनकी अच्छी अच्छी कथाएं हैं, कल हम इनकी कथा सुनेंगे, ये जन्म कैसे हुए, किस रूप में इनके भक्त थे, कैसे उन्होंने प्रचार किया और प्रचार में कितने बाधाएं आई है। देखो कभी कभी शुद्ध भक्ति प्रचार करो ना, कभी कभी जीवन में बड़ी बाधा, कल हम सुनेंगे इनकी जीवन में कैसे इनको मारने के लिए 5-6 बार कोशिश की गई, 5-6 बार कोशिश की गई इनको कैसे जान से मार डाले, क्यों बोले जिस समय ये भक्ति प्रचार कर रहे थे उसी समय तरह तरह का अपवाद था, ब्रह्मायावाद था, तरह तरह का जो दूसरे दूसरे धर्म था ना, वो सारे धर्म दुनिया के जीवों को गलत रास्ता पर ले जा रहे थे, लेकिन ये सनातन धर्म प्रचार करते थे, किस धर्म को प्रचार करते थे, ये सनातन धर्म को प्रचार करते थे। सनातन धर्म मतलब क्या, सदातन, तन मतलब होता है प्रकाश, सदा माने सब समय, जो प्रकाश पहले जो था अभी भी है बाद में जो रहेगा, जगत में और जितने धर्म सब नए नए निकले एक दिन सब नष्ट हो जाएगा, क्यों जिसका जन्म है एक दिन मरेगा, जो जन्म लगा तो मरेगा ना, क्यों वो जन्म हुआ ना, वो जन्म हुआ मरेगा, लेकिन जिसका कोई जन्म हुई जो अनादिकाल से, इसलिए हमारे धर्म का नाम सनातन, इसलिए श्री रामानुज आचार्य सर्वत्र उन्होंने हमारी सनातन धर्म को भगवान की भक्ति को स्थापन कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत लोग विरोध किया उसने, और लास्ट में इनके इतने प्रभाव था जान से मारने के लिए, विष दे करके मार करके उनको मारने के लिए कोशिश की, लेकिन जाके ना के साईया मार सके ना कोई, बाल ना बांधा कर सके जो जगह वही कोई, कैसे गले उनकी बड़ी अच्छी अच्छी कथा आप सुनेंगे कल, अद्भुत अद्भुत इनकी कथा है, इसलिए रात बहुत हो गया और कल सवेरे भी अगर आ सकते ना, सवेरे भी सुन लेंगे थोड़ा, शाम को भी सुन लेंगे, शाम को भी सुन ले, फिर महाप्रभु की थोड़ी कथा सुन लेंगे, ठीक है। अब आज आज तो चैतन्य महाप्रभु कथा सुन ही नहीं पाए, महाप्रभु थोड़ा सुना दो, थोड़ा सुना दो, 5 मिनट का, देखो आज एक दीप में जाते हैं, देखो अगर यहाँ पर महाप्रभु की कथा सुनोगे ना, जो कथा सुनते हैं उसका फल कुछ मिल जाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में ये विशेष वस्तु है, इसलिए जो इनकी कथा सुनोगे जहाँ पर बैठ कर कथा सुनोगे वहाँ पर उनका फल प्राप्त हो, केवल ये भक्ति में ही ये चीज है, अगर मानसिक रूप में आपने सोच लिया नवद्वीप धाम जाऊंगा और यहाँ पर कथा सुन रहे हो वहाँ का स्मरण हो रहे यहाँ पर आपको कथा सुनने को मिल जाएगी, इसलिए वहाँ पर नवद्वीप है, कल हम सुन रहे थे, बताओ तो ये नवद्वीप है क्या चीज, कौन बोले हाथ बताओ क्या है, बोलो हाँ राधा रानी अपना हृदय से, ये नवद्वीप नहीं राधा रानी नौ पूज्य बनाए कृष्ण के लिए, उन्होंने पूज्य बनाए है, क्योंकि उन्होंने देखा ये वृंदावन धाम जितने सुंदर, नवद्वीप धाम भी बड़ा सुंदर है, इसलिए कृष्ण वहाँ चले जाते हैं और ब्रजा सख से मिलते हैं, इसलिए राधा इनका नाम है जो कृष्ण की आराधना करती है, इसलिए उन्होंने अपना हृदय से श्याम सुंदर के लिए उन्होंने जो पूज्य बनाए यही नवद्वीप धाम, और क्या चीज है बोलो, नवदा भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, जो नवदा भक्ति एक एक जो
पीठ है, एक एक जो दीप, एक एक भक्ति की स्थान है। अगर वहां पर जाओ तो आपको नवद्वीप जाने से जो नवधा भक्ति करने का फल अपने आप आपको मिल जाएगा। इसलिए आज हम पहला दीप की कथा सुनेंगे जिसका नाम अंतरद्वीप मायापुर, जहां पर महाप्रभु ने जन्म ग्रहण किया। इसलिए भगवान जब इसी जगत में आते हैं वो अकेले नहीं आते, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सफा सदियो राम सह अवतार। इसलिए भगवान जब गोलोक वृंदावन से आते हैं पूरा धाम और परिक्रमा को लेकर के आते हैं इस जगत में। इसलिए जो नवद्वीप धाम है ये अभिन्न वृंदावन, अभिन्न ये वृंदावन। अब ये नवद्वीप धाम जो महाप्रभु का जन्म स्थान माया वो क्या है, बोले गोकुल। जैसे कृष्ण गोकुल में जन्म लिए हैं, उन्होंने उदाहरण दिया कि नवद्वीप धाम कैसे गोकुल, कैसे नवद्वीप धाम जैसे कमल का फूल है। जैसे कमल का फूल है उसमें आठ बकुलियां हैं, आठ उसमें बकुलियां और बीच में कर्णिका, बीच में कर्णिका और आठ बकुलियां। उसी तरह जो अंतर्द्वीप जो मायापुर ये कमल फूल जैसे, और वो जो स्थान जो बीच है ये गोकुल है। जैसे कृष्ण गोकुल में जन्म ग्रहण किए वही कृष्ण अभिन्न रूप में कहां पर श्री नवद्वीप धाम में मायापुर में उन्होंने जन्म ग्रहण किया है। इसलिए कहते वो धाम जिसे नौ तरह का भक्ति है, नौ तरह का भक्ति, बोले भैया उस स्थान जाने पर कौन सा भक्ति का स्थान है, बोले आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन को द्वारा किसने प्रभु को प्राप्त किया, बोले श्री बलि महाराज। इन्होंने आत्मनिवेदन भक्ति को द्वारा बलि महाराज, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को चरण में सब कुछ उन्होंने दे दिया, राज पाठ सब कुछ कृष्ण को चरण में उन्होंने, लास्ट में जब सब कुछ ले लिया अब कुछ देने के लिए नहीं, बोले बताओ बड़ा दीखा करा था एक दान दूंगा, कहीं झोली चलाने का जरूरत नहीं, बताओ दो पग में तो विश्व ब्रह्मांड ले लिया, अब तीसरे पग कहां पर रखे। पत्नी ने कहा देखो जब तक खुद वो खुद नहीं देते हैं ये दुनिया तो ठाकुर का, दुनिया ठाकुर दुनिया ले लिया आपने किया दिया, बोलना सर पर रखो। उन्होंने अपने सर के ऊपर में चरण रखे, आत्मनिवेदन। वहां जाने से आत्मनिवेदन जो भक्ति का फल मिलते हैं, बोले भैया आत्मनिवेदन का मतलब क्या है, बोले संपूर्ण रूप में ठाकुर जी चरण में दे देना। बोले यहाँ पर जो आत्मनिवेदन है एक अद्भुत आत्मनिवेदन, बोले क्या आत्मनिवेदन है, बोले जहां पर कृष्ण स्वयं राधा जी के चरण में आत्मनिवेदन कर दिया। सर अब वृंदावन गए ना, सेवा तुझे देखे होंगे, सारा दुनिया कृष्ण का सेवा करते हैं लेकिन कृष्ण क्या करते, राधा जी की चरण की सेवा करते हैं। इसलिए जो नव वहां पर कृष्ण स्वयं, क्योंकि राधा जी के प्रेम की इतने महिमा कृष्ण सोच रहे हैं, भैया मेरे मन में जितने इच्छा सारे इच्छा को तो पूरी की लेकिन एक इच्छा मैंने पूरी नहीं कर पाई, बोले क्या है, बोले राधा जी की प्रेम की महिमा कितना है, राधा रानी मेरे को जो भक्ति सेवा करती हैं, मुझे जो आनंद उससे करोड़ों गुण राधा जी का आनंद मिलता है, मैं इतना सुंदर मैं अपना रूप को जब मैं मणिस्तंभ को ऊपर देखता हूँ मैं स्वयं पागल बन जाता हूँ, ये कौन है कब मैं इनका आलिंगन करूँ। लेकिन उन्होंने देखा जब तक ये पूर्ण रूप में इसको कौन आस्वादन करते, बोले राधा रानी, बोले जब तक मैं राधा जी के अंगनादि भाव नहीं लेता हूँ तब तक ये चीज को आस्वादन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कृष्ण राधा जी के चरण में आत्मनिवेदन कर दिए, राधा जी के शरण में कृष्ण पूर्ण चले गए। इसलिए उन्होंने राधा जी की दो चीज लेकर के आए, इनके एक अंग कांति और एक भाव लेकर के आए, जहां पर कृष्ण राधा जी के चरण में उन्होंने आत्मनिवेदन जहां पर किया है वो सिर्फ अंतरद्वीप। अंतरद्वीप उसका नाम क्यों पड़ा, इसलिए अंतरद्वीप नाम पड़ा जब ब्रह्मा जी कृष्ण बछड़े की कथा को चोरी की, बाद में ब्रह्मा जी को जो पता चला ये कौन है, बोले पूर्ण ब्रह्म स्वयं कृष्ण, ये ईश्वर कृष्ण परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण सारे कारण का जो मूल कारण श्री ये कृष्ण है। तो उन्होंने बहुत माफी मांगे ब्रह्मा जी, लेकिन उन्होंने देखा कृष्ण तो संतुष्ट हो गए लेकिन दिल से खुश नहीं हुए, कृष्ण दिल से खुश नहीं हुए। ब्रह्मा जी सोचा दिल से कैसे प्रसन्न होंगे, फिर ब्रह्मा जी जहाँ पर अंतर्द्वीप मायापुर वही प्रभु ने तपस्या, कठोर तपस्या किया ब्रह्मा जी, जब तपस्या किया भगवान श्री सचिदानंद गौर हरि उन्होंने दर्शन दिए, बोले श्री सचिदानंद गौर हरि की जय, श्री मन चैतन्य महाप्रभु की जय। महाप्रभु परिकरों को साथ में दर्शन दिया, बोले ब्रह्मा जी
मैं यहीं पर कलयुग में सचिनंदन गौर हरि बन करके आऊंगा, सारा विश्व ब्रह्मांड को प्रेम दूंगा, उसी समय तुम मेरी मदद कर दो। बोले कैसे? बोले तुम हरिदास ठाकुर बन करके आओगे। इसलिए ब्रह्मा जी देखा मेरे को, भगवान ब्रह्मा ने पद दे दिया ना, कितना प्रभुता पाई काम अदनाय, इतने बड़े पद दे दिया, श्री कृष्ण का बछड़े से काम चुराया, भैया कलयुग में बड़े नहीं बनकर छोटे बन जाऊंगा। इसलिए उन्होंने मुसलमान कुल में जन्म लिए, हैं? इसलिए मुसलमान कुल में जन्म लिए। बोले दीन हीन बन करके सारा दीन भजन करूंगा। इसलिए उन्होंने तीन तीन लाख उन्होंने हरि नाम किया। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने तीन तीन लाख हरि नाम करते हुए महाप्रभु सेवा किया। महाप्रभु बोले तुम कलयुग में हरिदास ठाकुर बन कर आओ। इसलिए उस स्थान का नाम से अंतरद्वीप, जहाँ जाने पर गोकुल जाने का फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए वहां पर जैसे आप वृंदावन दर्शन करोगे, गोकुल जाओ तो गोकुल दर्शन करने का फल मिलेगा और कुछ नहीं, लेकिन नवद्वीप भी जाओगे महाप्रभु धाम में, एक तो गोकुल का फल मिल ही जाएगा और उसको साथ साथ में श्री मायापुर दर्शन करने का फल तुमको प्राप्त। दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू, नवद्वीप जाने पर दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू, उसको तो खूब चला चल कर खाओ, ठीक है? फिर कल अच्छे तरह से बोला हरे कृष्णा हरे।